बागेश्वर अदालत में पेशी के बाद फरार हुए कैदी को बागेश्वर पुलिस ने कुछ घंटे की मशक्कत के उपरांत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी व्यक्ति नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में अल्मोड़ा जेल में बंद है। पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि गरुड़ के ग्वालदे नौगांव निवासी दीवान राम पुत्र मदन राम को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जा रहा था। पेशी के उपरांत जब अदालत से बाहर लाया जा रहा था तो आरोपी दीवान राम खुद को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर अदालत परिसर से भाग खड़ा हुआ। पॉक्सो तथा दुष्कर्म मामले के गंभीर आरोपी के फरार होने से पुलिस के हाथ पैर फूल गए। आरोपी अदालत परिसर से तहसील होते हुए पुलिस लाइन की तरफ पूर्ति विभाग के गोदाम की तरफ भाग खड़ा हुआ। वहां जाकर एक शादी समारोह में शामिल हो गया, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के उपरांत आरोपी को पकड़ लिया। इधर पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लगभग 1 बजे के आसपास दीवान राम, जो गरुड़ क्षेत्र का राजस्व क्षेत्र नौगांव के, यहाँ से गिरफ्तार किया हुआ मुजरिम था। लगभग जनवरी 14 या 15 तारीख के आसपास हमने उनको गिरफ्तार किया था। ये 376 और पोस्को के मामले में गिरफ्तार थे। आज लगभग 1 बजे के आसपास कोर्ट में जब उनकी पेशी हो रही थी, गवाही हो रही थी, उसके पश्चात वो जो सुरक्षाकर्मी हमारे जो उनको उनके साथ थे, उनको चकमा देकर उनके हाथ से अपने आप को छुड़वा कर एक गधेरे में कूद कर वहाँ से भाग निकला। लगभग 1 घंटे तक वो भागा हुआ था। लगभग बागेश्वर क्षेत्र की और पुलिस लाइन की ऑफिस की समस्त फोर्स इसमें लगाई गई। 70% लोग सादे वस्त्रों में भी इसमें लगाए गए और हमें धान गोदाम के यहाँ पर लगभग एक शादी समारोह में उसको विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर हमने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में जो हमारा पुलिस उपाधीक्षक है अंकित, इन्होंने इसका नेतृत्व किया और इनके साथ समस्त कोतवाली की फोर्स, SSI ऑफिस से मेरे PRO वगैरह, इन सब का और लाइन से आ रहा है, इन सब का बहुत अच्छा योगदान रहा। इन सबको एक उत्साहवर्धक बख्शिश भी मेरी तरफ से दिया जाएगा। साथ ही इसमें जो भी लापरवाही जिन पुलिसकर्मियों द्वारा हुई है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी कार्रवाई हुई। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।